हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबके इसका इलेक्ट्रॉनिक्स लाइ वीडियो चल गए और प्रेस वीडियो में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगे एक पासवर्ड लॉक सर्किट जिसका डेमो तो आप वीडियो के शुरू में ही देख हैं कि ये कितना अच्छे से वॉक कर रहा है एंड फ्रेंड्स इस सर्किट को आप आपका डोर पर लगा सकते हो आपका टी वी लगा सकते हो या फिर लाइट फैन कहीं पर भी या फिर कोई अगर आपका मशीन है तो मशीन पर आप लगा सकते हो तो वो फ्रेंड्स ऐसा होगा कि पासवर्ड देने के बाद ही वो मशीन ऑन होगा या फिर जो पासवर्ड देने के बाद ही आपका डोर ओपन होगा तो आप ऐसा करके सभी चीज़ को स्मार्ट बना सकते हो इस सर्किट के मदद से एंड फ्रेंड्स इस सर्किट को बनाने के लिए मैं कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई भी वगैरह का यूज नहीं किया मैं पर सिंपल सी 4017 IC यूज़ करके इसको बनाया हूं जो कि बहुत ईजिलोट मार्केट में मिल जाता है एंड फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है दिखाया एंड वीडियो के लास्ट में सर्किट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं ताकि आप समझ सको कि इसका वॉकिंग तो चलिए ज्यादा देर ना कि इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स इस सर्किट को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा एक पीस सी डी फोर जीरो वन सेवन आई सी जो कि आपको बहुत ईजिली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स ज़रूरत पड़ेगा टेन पीस पुश बटन की या आपको पुराना हेडफोन से या फिर कोई भी सर्किट से बहुत ईजिली मिल जाता है और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी मिल जाएगा ठीक है और फ्रेंड्स उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा फोर पीस वन एन फोर जीरो जीरो सेवन डायट की ज़रूरत पड़ेगा टू पीस हंड्रेड किलो ओम रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगा वन पीस फोर सेवेंटी ओ रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगा वन पीस रेड कलर एलईडी की सर्किट का आउटपुट पे लगाने के लिए एंड फिर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा एक पीस पुश स्विच की सर्किट को पावर देने के लिए जरूरत पड़ेगा एक पीस नाइन बोल्ट बैटरी की एंड इस नाइन बोल्ट बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा एक पीस बैटरी कनेक्टर की तो फ्रेंड्स चलिए सर्किट को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स सर्किट बनाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कीपैड बना के दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स कीपैड बनाने के लिए आपको ऐसा एक कार्डबोर्ड ले लेना है एंड इस कार्डबोर्ड के ऊपर फ्रेंड्स मैं मार्क कर लिया हूँ कहाँ पर मुझे होल करना है स्विच लगाने के लिए ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक ट्विजर की मदद से सभी मार्क uh, किया हुआ जगह को होल कर लेता हूँ एंड सभी में एक एक करके स्विच लगा देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी में एक एक करके स्विच लगा दिया और फ्रेंड्स ये अभी एक बहुत ही अच्छा कीपैड का जैसा लग रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए इस स्विच का मैं पीनाआउट आपको बता देता हूँ यहाँ पर चार लेग है तो फ्रेंड्स ये जो देखिए ये दोनों लेग है ना ये और ये ये दो लेग फ्रेंड्स आपस में कनेक्ट नहीं है लेकिन फ्रेंड्स इधर देखिए ये जो दो लेग है ना ये और ये ये दोनों फ्रेंड्स आपस में कनेक्ट है तो अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है अभी आपको पासवर्ड फिक्स करना है तो फ्रेंड्स पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर कोई भी स्विच को मतलब आप जैसे कि मैं यहाँ पर टू नाइन फोर सिक्स पासवर्ड लगाया हूँ तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपको भी एक पासवर्ड चुन लेना है ठीक है आप जो भी कर रहे हो तो आपको उस क्या करना है उसका पीछे यहाँ को दिखा रहा हूँ अभी देखिए फ्रेंड्स ये हमारा टू जो है, है ये फर्स्ट है तो फ्रेंड्स टू नाइन ऐसे करके देखिए फ्रेंड्स मैं सबका पीछे यू वन यू टू ऐसे करके लिख जाऊँ कि मैं किसके बाद किस स्विच को प्रेस कर रहा हूँ जैसे कि फ्रेंड्स मैं सबसे पहले टू को प्रेस करूँगा ना तो यू वन लिखा हूँ उसके बाद नाइन को प्रेस करूँगा तो यू टू लिखा हूँ उसके बाद यू थ्री को प्रेस करूंगा ऐसे करके यू फोर तो जो आप जिसके बाद जिसको प्रेस करोगे ऐसे करके आपको पीछे मार्क कर लेना है नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस पिंक कलर का वायर ले लिया हूँ एंड इस पिंक कलर का वायर को मैं सभी अनलॉक स्विच के साथ कॉमन कर दूंगा मतलब एक कॉमन वायर जैसा सोल्डर करूंगा मतलब सभी स्विच का जो एक एक साइड है एक एक साइड के साथ मैं इस वायर को सोल्डर कर दूंगा हमारा अनलॉक स्विच का ओनली ठीक है इस रिसेट स्विच का नहीं तो फ्रेंड्स ये हमने मैं कर लिया अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बाकी का भी कर देता हूँ तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबके साथ कर लिया जो हमारा U1, U2, U3, U4 सबके साथ मैंने इस वायर को कॉमन सोल्डर कर दिया ठीक है तो आप भी ऐसा कर लेना मैं जैसा कर रहा हूँ आप सेम टू सेम ऐसा कर लेना तो अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा अनलॉक स्विच है अनलॉक स्विच को छोड़ के बाकी जितने भी रिसेट स्विच है इस सभी रिसेट स्विच को हमें पैरालली सोलर करना पड़ेगा पैरालली कनेक्ट करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स पर मैं एक वायर लेके सभी स्विच के साथ जो हमारा रिसेट स्विच है ना सभी रिसेट स्विच के साथ एक साइड के साथ मैं इस ऑरेंज वाला वायर को सोलर कर लिया यह हमारा लॉक अनलॉक का है और फ्रेंड्स ये जो है ये रिसेट का है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसके साथ भी सोलर क्या हूँ देख सकते हैं तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक वाइट कलर का वायर ले लिया हूँ एंड फ्रेंड्स इस व्हाइट कलर का वायर को भी मैं सभी रिसेट स्विच के साथ जो हमारा ऑपोजिट साइज बाकी था स्विच का उसके साथ मैंने सोलर कर लिया मतलब आपको समझ में आ रहा होगा हमने सभी रिसेट स्विच को पैरालली कनेक्ट कर लिया ठीक है मतलब सेम टू सेम देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से आप यहाँ पर अच्छे से समझिए नहीं तो आपका कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है या आपका सर्किट काम नहीं करेगा तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर अलग अलग कलर का चार वायर ले लिया हूँ आप यहाँ पर सेम कलर का भी ले सकते हो लेकिन सेम कलर लेने से आपको वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकता है बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कलर क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी अनलॉक स्विच के साथ इस सभी चारों वायर को मैं सोलर कर दे रहा हूँ मतलब हमने कॉमन वायर निकाला था और बाकी तो स्विच का एक एक पिन बाकी था ना तो उन सभी पिन के साथ मैं यहाँ पर चार वायर को सोलर कर दे रहा हूँ चार स्विच था तो चार वायर है तो मैं यहाँ पर दो के साथ कर दिया अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यू फोर के साथ भी कर देता हूँ देखिए यहाँ पर मैं यू फोर के साथ भी कर लिया और फ्रेंड्स अभी हमारा बाकी है यू वन तो यू वन के साथ भी मैं कर लूँगा एक ग्रीन कलर का वायर का सोल्डर ठीक है तो मैं इसको भी सोल्डर कर लिया तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कीबोर्ड का पूरा कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है अभी हमें इसका जो मेन सर्किट है उसको बनाना है तो फ्रेंड्स चलिए तो फ्रेंड्स सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फोर जीरो वन सेवन आई का सभी पिन को मैं ऐसा करके सीधा कर लिया हूँ एंड इसको उल्टा करके मैं क्लिप के साथ लगा लिया ताकि सोलरिंग करने में आसानी हो एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस डायड ले लिया हूँ एंड इस डायड का लेग को मैं यहाँ पर आई की एट नंबर पिन एंड थर्टीन नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ ऐसे शॉर्ट कर दे रहा हूँ दोनों पिन को फ्रेंड्स हमें डायोड का ज़रूरत नहीं है ओनली हमें शॉर्ट करना था तो मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसका डायोड का ज़रूरत नहीं है तो फ्रेंड्स हमारा आईसी का नीचे का कनेक्शन हो चुका है अभी मैं इसको उल्टा करके लगा देता हूँ तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस हंड्रेड किलो ओम का रजिस्टर लगा ले, ले लिया हूँ एंड फ्रेंड्स इस हंड्रेड किलो ओम रजिस्टर को मैं आई की थर्टीन नंबर पिन एंड फोर्टीन नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर फोर्टीन नंबर पिन के साथ किया और थर्टीन नंबर के साथ भी कर दिया अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं एक पीस हंड्रेड किलो ओम का रजिस्टर ले लिया हूँ एंड इस हंड्रेड किलो ओम रजिस्टर का एक साइड को मैं यहाँ पर आई की फिफ्टीन नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया एंड फ्रेंड्स इस रजिस्टर का ऑपोजिट साइड को मैं यहाँ पर आई की थर्टीन नंबर पिन के साथ सोलर कर दे रहा हूँ तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस डार्ड ले लिया हूँ एंड डार्ड का जो ब्लैक साइड है ब्लैक साइड को मैं यहाँ पर आई की टू नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दूसरा और एक डायोड ले लिया हूँ एंड इसको मैं आईसी की थर्ड नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ एक डायोड ले लिया हूँ फ्रेंड्स इसको भी मैं यहाँ पर आईसी की फोर्थ नंबर पिन के साथ ब्लैक साइड को सोल्डर कर दिया एंड फ्रेंड्स जो लास्ट डायोड है हमारा इसको भी मैं यहाँ पर आई की सेवन्थ नंबर पिन के साथ सोल्डर सा कर दिया ठीक है तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको कट कर लिया हूँ देख सकते हैं छोटा छोटा कर लिया हूँ अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस फोर सेवेंटी ओ का रजिस्टर ले लिया हूँ एंड इस रजिस्टर को फ्रेंड्स मैं पर आईसी की नाइन नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस एल ले लिया हूँ एंड इस एल का जो बड़ा वाला लग गया ये नेगेटिव है एंड जो छोटा वाला ले गया ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को मैं यहाँ पर रजिस्टर के साथ सोलर कर दिया एंड जो नेगेटिव है इसको मैं यहाँ पर आई की एट नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया तो मैं यहाँ पर अच्छे से सोलर वायर से यहीं पर फिर से सोलर कर देता हूँ ताकि ये खुल ना जाए तो इसको भी मैं यहाँ पर एक बार कर देता हूँ तो ये हो गया है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर मैं कीपैड ले लिया हूँ जो कि हमने अभी बनाया तो फ्रेंड्स इस कीपैड का देखिए जो हमारा पैराली हम हमने कनेक्ट किया था ना रिसेट स्विच को तो फ्रेंड्स जो दो वायर था ना देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा जो रिसेट स्विच था रिसेट स्विच का जो दो वायर निकल रहा था रिसेट स्विच से पैराली तो उन दोनों वायर में से एक वायर को मैं यहाँ पर आईसी सी की सिक्सटीन नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ एंड फ्रेंड्स जो दूसरा वायर है दूसरा बायर को मैं यहाँ पर आई की फिफ्टीन नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ तो ये हमारा हो गया रिसेट स्विच का कनेक्शन तो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे अनलॉक स्विच का कनेक्शन तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने एक अनलॉक स्विच का कॉमन वायर निकाला था तो उस कॉमन वायर को मैं यहाँ पर सोल्डर कर रहा हूँ आईसी की नंबर पिन के साथ तो मैं यहाँ पर इसको सोल्डर कर दिया देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हमारा अनलॉक स्विच से एक एक करके बाहर निकल रहा था ना जो कि अलग अलग कलर का मैंने वायर लगाने को बोला था आपको तो फ्रेंड्स जो U1 है सॉरी uh, U2 जो है U2 जो हमारा अनलॉक टू बटन था मतलब जो जिसको हम सेकंड प्रेस करेंगे उसको फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फर्स्ट डायब के साथ सोलर कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये वाला कनेक्शन बहुत मतलब आपको देख के करना है नहीं तो आपका काम उल्टा सीधा करेगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो हमारा U1 है अभी देखिए फ्रेंड्स मैं U1 को अब करूँगा जो हमारा फर्स्ट स्विच था उसको फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर सेकेंड डायोड के साथ सोलर कर दिया अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो U3 था U3 को फ्रेंड्स मैं सोलर करूंगा आईसी की जो फोर्थ नंबर पिन है फोर्थ नंबर पिन वाली डायोड के साथ ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया अभी फ्रेंड्स जो हमारा U4 वाला स्विच था U4 वाला स्विच से जो वायर निकल रहा था देखिए यहाँ पर ये वाला वायर तो फ्रेंड्स इस वाला वायर को मैं सोल्डर करूँगा जो हमारा था मतलब फोर्थ डायर्ड है फोर्थ डायर्ड के साथ तो फ्रेंड्स ऐसे करके इसका कुछ कनेक्शन है सर्किट डायग्राम देख के तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्टर ले लिया हूँ एंड इस बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव साइड के साथ मैं एक स्विच भी लगा लिया हूँ एंड फ्रेंड्स स्विच के बाद वाला जो वायर है इसको फ्रेंड्स से यहाँ पर मैं आई की सिक्सटीन नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया एंड फ्रेंड्स जो बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव वायर है इसको फ्रेंड्स से यहाँ पर मैं आई की एट नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया तो अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ा गलती कर दिया हूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स जो रजिस्टर है इसका कनेक्शन में गलत कर दिया तो इसको मैं खोल लेता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस, मैं मैंने इसको खोल दिया अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पीस फोर सेवेंटी ओम रजिस्टर ले लिया हूँ एंड इस रजिस्टर को फ्रेंड्स मैं आईसी की टेन नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दिया मतलब मैं गलती से नाइन नंबर पिन के साथ सोलर कर दिया था क्योंकि वो पास में ही था तो इसलिए कर दिया था एंड फिर इसको मैं पॉजिटिव के साथ सोलर कर दिया एल का ठीक है तो अभी फ्रेंड्स हमारा सर्किट पूरा ठीक ठाक कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सभी स्विच के ऊपर नंबरिंग कर लिया हूँ वन टू थ्री फोर करके ऐसे करके नंबरिंग कर लिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सा क्या स्विच है ठीक है तो फ्रेंड्स ये सर्किट मेरे को इतना अच्छा लग रहा है क्या बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी तो कैसा आपको लग रहा है एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो अभी मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करके आपको इसका वॉकिंग दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर लिया अभी मैं कैमरे को थोड़ा फोकस कर लेता हूँ तो कर लिया अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं स्विच ऑन कर दिया तो ये सर्किट अभी ऑन हो चुका है तो मैं यहाँ पर उल्टा सीधा पासवर्ड दबा रहा हूँ देखिए ये ऑन ही नहीं होगा आप कुछ भी कर लो कोई भी उल्टा सीधा पासवर्ड दबा लो ये ऑन कभी भी नहीं होगा जब तक आप सही पासवर्ड नहीं दोगे ये सर्किट कैसे भी ऑन नहीं होगा देखिए फ्रेंड्स मैं कुछ भी उल्टा सीधा दबा रहा हूँ या ऑन ही नहीं हो रहा है कोई भी दबा रहा हूँ ऑन ही नहीं हो रहा है अभी भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं राइट वाला पासवर्ड दूंगा देखिए टू नाइन फोर सिक्स ऑन हो गया देख सकते हैं फ्रेंड्स एलईडी हमारा ऑन हो गया कितना अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स समझ सकते हो एंड फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी अगर रिसेट स्विच को एक बार प्रेस कर दोगे मतलब हमारा जो अनलॉक स्विच है इसको छोड़ के कोई भी रिसर्ट स्विच को आप एक बार प्रेस कर दोगे तो ये जो लाइट है ये फिर से ऑफ हो जाएगा फिर से मैं राइट पासवर्ड देता हूँ देखिए ऑन हो गया अब जितने बार राइट पासवर्ड दोगे ये ऑन हो जाएगा लेकिन गलत पासवर्ड दोगे तो कभी नहीं ऑन होगा कैसे भी ऑन नहीं होगा ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी तीन को ठीक दिया लास्ट में गलत पासवर्ड दे दिया तो ये ऑन नहीं हुआ अब कुछ भी कर लो कोई भी तरीका आजमा लो ये ऑन ही नहीं होगा ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स काम कर रहा है तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इसके साथ कैसे आपको रिले का कनेक्शन करना है वो भी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं फ्रेंड्स यह ऑन हो गया तो फ्रेंड्स रिले का कनेक्शन करने के लिए जरूरत पड़ेगा एक पीस फाइव वोल्ट का रिले जरूरत पड़ेगा एक पीस बी सी फाइव फोर सेवन एन पी एन ट्रांजिस्टर जरूरत पड़ेगा एक पीस वन एन फोर जीरो जीरो सेवन डायोड बस इन तीन तीनों कॉम्पोनेंट से ही हमारा सर्किट बन जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं डार्ट को ले लिया हूँ एंड इस डार्ड पर फ्रेंड्स जो सिल्वर साइड है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो फ्रेंड्स जो, जो मेरा राइट साइड है राइट साइड पे सिल्वर साइड है एंड जो मेरा लेफ्ट साइड है वो ब्लैक साइड है तो फ्रेंड्स मैं सिल्वर साइड को सोल्डर कर दिया रेल के एक साइड के साथ एंड ब्लैक साइड को भी अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर को ले लिया हूँ एंड इस ट्रांजिस्टर का एमिटर को मैं यहाँ पर डार्ट की ब्लैक साइड के साथ सोल्डर कर दिया अभी यहाँ पर मैं एक पीस ब्लैक कलर का वायर ले लिया हूँ एंड इस वायर को मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन के साथ सोलर कर दिया अभी यहाँ पर मैं एक पीस पिंक कलर का वायर ले लिया हूँ एंड इसको मैं यहाँ इस पर डायोड की सिल्वर साइड के साथ सोलर कर दिया अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दूसरा और एक वायर लेके ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ सोल्डर कर दिया तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर लोड का कनेक्शन करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बल्ब जला के दिखाऊंगा तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर मोटर चला सकते हो या फिर सॉलीनाइड जो लॉक होता है उसका भी चला सकते हो आप यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैं बल्ब का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स जो बल्ब का पॉजिटिव साइड है मतलब जो पॉजिटिव साइड का वायर है इसको मैं यहाँ पर कट कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स इतना सिंपल कनेक्शन में आपको क्या बताऊँ जो ऐसा हम स्विच का कनेक्शन करते हैं ना घर में बोर्ड का वो वैसा ही यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है ठीक है मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हाँ ये कटा हुआ वायर है इसको फ्रेंड्स में यहाँ पर कॉमन पिन के साथ सोल्डर कर दिया रिले का जो कि बीच में है एंड फ्रेंड्स जो हमारा बल्ब का एक वायर था जिसको हमने कट किया अभी तो उस वायर को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नॉर्मली ओपन पिन के साथ सोल्डर कर दिया रिले का तो फ्रेंड्स जब भी रिले ऑन होगा तो ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाएगा एंड हमारा बल्ब जो है ये ग्लो करेगा तो ऐसे करके इसका कनेक्शन है अभी फ्रेंड्स चलिए सर्किट के साथ रिले का कनेक्शन देख लेते हैं तो फ्रेंड्स सर्किट के साथ रिले कनेक्शन करने के लिए ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा पिंक कलर का सॉरी ऑरेंज कलर का जो वायर है मतलब जो कि हमारा ट्रांजिस्टर की बेस से आ रहा है इसको फ्रेंड्स हमें आई की आउटपुट पर सोल्डर करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रजिस्टर की साइड पर सोल्डर कर रहा हूँ मतलब रजिस्टर के अपोजिट साइड पर जहाँ पर एल हमने कनेक्ट किया है एल के पॉजिटिव पे मैंने सोल्डर कर दिया एंड फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ब्लैक कलर का वायर था जो कि हमारा ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ था इसको मैंने यहाँ पर आईसी की एट नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दिया एंड फ्रेंड्स जो हमारा रिले का जो हमारा रिले से पॉजिटिव वायर आ रहा है मतलब जो हमारा सिल्वर साइडेड डायोड का उससे जो पिंक कलर का वायर है उसको फ्रेंड्स में यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव साइड के साथ सोलर कर दिया तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरा कनेक्शन बहुत ईजी है आप सिर्फ ध्यान से देखो आपको बहुत आसानी सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सब कुछ कनेक्शन कर लिया हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पावर सप्लाई यहाँ पर देखिए एक बारह बोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्प्रे मशीन के अंदर रहता है बही वाला पावर सप्ल मैं यहीं पर लगाया हूँ इस बल्ब को जलाने के लिए आप यहाँ पर सॉल्यूड नल्ब लॉक भी लगा सकते हो तो मैं चलिए मैं स्विच को ऑन कर दिया तो अभी यहाँ पर उल्टा सीधा पासवर्ड दूंगा देखिए क्या होता है तो फिर से यहाँ पर मैं उल्टा सीधा पासवर्ड मार रहा हूँ <laughs> ये ऑन ही नहीं हो रहा है कैसे ऑन होगा क्योंकि यहाँ पर ये जब तक आप सटीक पासवर्ड नहीं डालोगे राइट पासवर्ड जब तक ना दोगे तब ये ऑन तब तक ये ऑन ही नहीं होगा गलत पासवर्ड डाल डालिए ऑन ही नहीं हुआ अभी देखिए टू नाइन फोर सिक्स कितना अच्छे से ऑन हो गया सर्किट बहुत अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड्स ये पर फिर से आपको एक रिसेट स्विच प्रेस किया तो फ्रेंड्स ये जो लाइट है ये ऑफ हो गया फ्रेंड्स अभी आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो हमारा रेड कलर का बल्ब था वो ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स ये जो रिले है ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी रिले हाँ रिले भी बोल सकते हो एंड फ्रेंड्स जो ट्रांजिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है जिसके कारण ये जो एल ई है ग्लो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आपको मतलब आई से ही आउटपुट लेना है ठीक है जो कि आप मतलब ट्रांजिस्टर का बेस पर कनेक्ट कर रहे हो तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हमारा सर्किट काम कर रहा है फ्रेंड्स आप यहाँ पर मोटर का भी कनेक्शन कर सकते हो बल्ब का जगह या फिर जो जो सॉलिनॉइड लॉक आता है सोलिनॉइड लॉक भी लगा सकते हो डोर लॉक के लिए ठीक है या फिर आपको जो मन चाहे आप वही कनेक्शन कर सकते हो स्विच का जैसा कनेक्शन करना है यहाँ पर देखिए रिले पे मैं जैसा कनेक्शन किया हूँ आप भी ऐसा करना और कोई भी चीज़ का आप यहाँ पर कर सकते हो तो फिर चलिए सर्किट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स सर्किट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इस आईसी के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देना चाहता हूँ ताकि आपको सर्किट समझने में आसानी हो फ्रेंड्स देखिए इस आईसी में जो सिक्सटीन नंबर पिन है ये बी पिन है इसको हमें बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होता है एंड फ्रेंड्स जो एट नंबर पिन है ये फ्रेंड्स ग्राउंड पिन है इसको हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होता है ठीक है अभी फ्रेंड्स देखिए इस आईसी में आपको दस आउटपुट में मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आउटपुट जीरो है वो आपको थर्ड नंबर पिन पे मिलता है जो आउटपुट वन है वो टू नंबर पिन पे मिलता है जो आउटपुट टू है वो आपको फोर्थ नंबर पिन पर मिलता है जो आउटपुट थ्री है वो सेवन नंबर पिन पर मिलता है तो फ्रेंड्स ऐसा करके इसका उल्टा सीधा कुछ पिनआउट है पता नहीं क्यों ऐसा है लेकिन आप ध्यान से कनेक्शन करना नहीं तो आपका काम नहीं करेगा ठीक है एंड फ्रेंड्स इधर आपको तीन आउटपुट में मिलता है फोर नाइन एंड एट आउटपुट आपको इधर मिलता है ठीक है ग्यारह दस और नौ नंबर पिन पर ठीक है अभी फ्रेंड्स यहां पर देखिए एक एनेबल पिन तो फ्रेंड्स इस एनेबल पिन को हमें ग्राउंड करना पड़ता है इस आईसी को अच्छे से काम करवाने के लिए ठीक है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फोर्टीन नंबर पिन है ये इसका क्लॉक पिन है इस पिन पे जब भी हम एक बार क्लॉक पर्स देते हैं तो क्या होता है इसका जो आउटपुट है वो एक के बाद एक शिफ्ट होता रहता है फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम एक बार क्लॉक पर्स दिए तो फ्रेंड्स ये जो जीरो नंबर से आउटपुट चला जाएगा वन नंबर पर फिर से और एक बार क्लॉक पर्स देने से ये वन से आउटपुट चला जाएगा टू आउटपुट पर टू नंबर आउटपुट पर तो ऐसे करके फ्रेंड्स ये क्लॉक पाल क्लॉक वाला पिन काम करता है ठीक है अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक रिसेट वाला पिन है तो फ्रेंड्स ये जो रिसेट वाला पिन पे है इस पे जब हम पॉजिटिव सप्लाई दे देते दे हैं तो क्या होता है ये जो पूरा है ये रिसेट हो जाता है मतलब आप समझो कि आप कुलवास देते देते इस आउटपुट को ले आए हो सात नंबर पिन पे मतलब सात नंबर आउटपुट पे ले आए हो तो जब आप यहाँ पर एक बार रिसेट पिन पर एक बार पॉजिटिव सप्लाई दे दोगे तो क्या होगा ये जो आई सी ये पूरा रिसेट हो जाएगा एंड ये जो सात नंबर पर आप आउटपुट को ले आए थे ये फ्रेंड्स फिर से जीरो नंबर आउटपुट पर चला जाएगा ये जीरो नंबर आउटपुट ऑन हो जाएगा तो ऐसे करके फ्रेंड्स ये पूरा आईसी जो है ये काम करता है तो चलिए अभी फ्रेंड्स सर्किट का वॉकिंग देख लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको जैसे बताया था यहाँ पर देखिए सिम टू सिम वैसा ही में कनेक्शन क्या हो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सिक्सटी नंबर पिन है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हूँ एंड जो एट नंबर पिन है इसको मैं बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हूँ ठीक है तो अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो एन पिन है इसको मैं ग्राउंड कर दिया हूँ जैसे आपको बोला था एंड फ्रेंिड्स यहाँ पर मैं दो रजिस्टर लिया हूँ हंड्रेड केक का एंड इन दोनों रजिस्टर को मैं फिफ्टीन नंबर पिन एंड फोर्टीन नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया हूँ एंड इसको फ्रेंड्स मैं सीधा ग्राउंड कर दिया हूँ ठीक है तो इसके कारण क्या हो रहा है इस ये जो दोनों रजिस्टर है इन दोनों रजिस्टर से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है जो कि फिफ्टीन नंबर एंड फोर्टीन नंबर पिन पर ऑल टाइम आ रहा है ठीक है अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको अनलॉक पिन के बारे में बता देता हूँ कि अनलॉक पिंड कैसे काम कर अनलॉक स्विच कैसे काम करता है ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको जैसे बताया था कि जो आउटपुट वन है जीरो है वो ए नंबर है मतलब यहाँ पर मैं ए का मार्क किया हूँ ठीक है और जो बी का मार्क किया हूँ वो फ्रेंड्स आउटपुट वन है एंड फ्रेंड्स जो सी मार्क किया हूँ ये फ्रेंड्स आउटपुट आपका टू है एंड ये डी है जो ये आपका आउटपुट थर्ड है ठीक मतलब है मतलब थ्री है ठीक है एंड फ्रेंड्स जो इसका फोर नंबर आउटपुट है वो आपका दस नंबर पिन से आपको मिलता है जिसके साथ हमने एक एल कनेक्ट किए हैं एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इसी मतलब पिन से हम एक इन ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए हैं जब भी यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा मतलब इस पिन पे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा एंड एलईडी भी ऑन हो जाएगा और ट्रांजिस्टर ऑन होने के कारण आपका ये रिले जो है ये रिले ऑन हो जाएगा एंड फ्रेंड्स आप जो लोड लगा के रखे हो वो ऑन हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करके मैं यहां पर कनेक्शन किया हूं तो अभी फ्रेंड्स यहां पर जब आप अनलॉक वन को प्रेस करोगे मतलब सर्किट को ऑन करने के बाद क्या होता है कि इसका जीरो नंबर पिन पे, मतलब ए पे तो आउटपुट आ जाता है ना क्योंकि ये जीरो है तो इस पर आउटपुट आ गया है तो जब भी आप इस स्विच को एक बार प्रेस करोगे तो क्या होगा यहाँ से जो पूरा पॉजिटिव वोल्टेज है वो आके इस लाइन से सीधा चला जाएगा फोर्टीन नंबर पिन पे तो फोर्टीन नंबर पिन हमारा क्या था क्लॉक पल्स वाला पिन तो यहाँ पर फ्रेंड्स हंड्रेड के का रजिस्टर से तो नेगेटिव आ रहा था ना तो जब भी यहाँ पर हमने एक बार स्विच को प्रेस कर दिया तो यहाँ पर एक बार मतलब पॉजिटिव एक बार जाके ऑफ हो गया ठीक है तो इसके कारण क्या हुआ यहाँ पर एक क्लॉक पल्स का जेनेट हुआ और फ्रेंड्स इस क्लॉक पल्स के लिए ये जो आउटपुट ए है ये बी पे शिफ्ट हो गया तो फ्रेंड्स जब बी पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर बी पे पॉजिटिव आ रहा है ना तो जब भी हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये बी से मतलब ये जो और एक बार कुलक जाएगा यहां पर तो फिर से ये बी से आउटपुट चला जाएगा आपका सी पे तो सी नंबर हाउड हाई हो गया तो अब जब भी हम इस स्विच को एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर फिर से और एक बार क्लॉक पास जाएगा एंड ये डी पे आउटपुट आ जाएगा एंड फ्रेंड्स जो डी को हम एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा फिर से एक बार क्लॉक पास जाएगा एंड फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ नंबर आउटपुट पे आ जाएगा एंड फोर्थ नंबर हम क्या किया है पर हमने एक एल कनेक्ट करके रखे एंड एक ट्रांजिस्टर लगा के रखे हैं तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का बेस पे जब भी यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा एंड फ्रेंड्स जो रिले है ये रिले आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ पर लोड जो है वो लोड भी आपका ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पर हम रजिस्टर लगा के एक एल लगाए हैं ताकि हमारा एल

तो फ्रेंड्स जब भी हम एंड फ्रेंड्स दूसरा पिन को हम दूसरा साइड को हम कनेक्ट किए हैं बैटरी के सॉरी आईसी की फिफ्टीन नंबर पिन के साथ मतलब जब भी हम एक बार इस स्विच को प्रेस करोगे तो क्या होगा यहाँ से जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो सीधा जाएगा फिफ्टीन नंबर पिन पे जिसके कारण ये जो आईसी है ये पूरा रिसेट हो जाएगा मतलब आप समझो कि आप पासवर्ड देते देते आप दो नंबर को एक बार प्रेस किए हो नौ को प्रेस किए हो फोर को प्रेस किए हो एंड आप सिक्स को भूल गए प्रेस करना आप क्या कर दिया आप यहाँ पर प्रेस कर दिए एक रिसेट स्विच को प्रेस कर दिए ठीक है तो क्या होगा ये आईसी जो है ये रिसेट हो जाएगा ना तो ये जो सी पे आउटपुट आपका आ गया था ये फिर से आपका आउटपुट चला जाएगा ये ए नंबर पिन पर चला जाएगा तो इसके कारण क्या होगा आप यहाँ पर छ नंबर को एक बार प्रेस भी करोगे तो ये जो सर्किट है ये ऑन नहीं होगा मतलब ये जो लाइट है ये ऑन नहीं होगा तो ऐसे करके फ्रेंड्स ये जो सर्किट है ये काम करता है आई होप क्या आपको ये सर्किट पूरा समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने के लिए एंड फ्रेंड्स आपका दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहने वाले बेल बेलाइक को प्रेस कर दीजिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय